आज इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट सेल्फ इंडक्शन। एक कॉइल, एक बैटरी और रियोस्टेट के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। हम जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे तो करंट के गुजरने से इस कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। अगर हम रियोस्टेट की मदद से कॉइल में से पास करने वाले करंट को चेंज करें तो इससे कॉइल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी कॉइल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। और क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स यही कॉइल पैदा कर रही है और इसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो इस ईएमएफ को सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे और इस फिनोमिनन को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्योंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उस काज को अपोज करती है जो इसे प्रोड्यूस करती है, यानी कि अप्लाइड करंट को अपोज करती है और इसकी डायरेक्शन अप्लाइड करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, इसलिए समटाइम्स हम इसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ये बिल्कुल लेंज लॉ के मुताबिक है। अगर अप्लाइड करंट इंक्रीज हो तो इंड्यूस ईएमएफ उसे कम करती है, लेकिन अगर अप्लाइड करंट डिक्रीज हो तो इंड्यूस ईएमएफ उसे इंक्रीज करती है। सो हम सेल्फ इंडक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द फिनोमिनन इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।